बीजेपी का सफाई अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में साफ सफाई करने पहुंचे और मंदिर परिसर में पोछा लगाया। उन्होंने पहले कचरा कलेक्शन किया, जो इधर उधर कचरा फैला हुआ था उसे हटाया और वहां पर साफ सफाई में वो जुटे नजर आए। और साथ ही दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में साफ सफाई वो करते नजर आए। पोछा लगाकर उन्होंने परिसर में साफ सफाई की। दिल्ली के कनॉट प्लेस से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ सफाई अभियान चलाया हुआ है, उसी सफाई अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां साफ सफाई करते नजर आए। तो वहीं बीजेपी के सफाई अभियान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री भी लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं सुबह सुबह मंदिर में साफ सफाई करने के लिए। दरअसल लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में साफ सफाई करते नजर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और रक्षा मंत्री के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मंदिर की सफाई करते नजर आए। साफ सफाई के बाद रक्षा मंत्री ने बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। और लगातार भारतीय जनता पार्टी का साफ सफाई अभियान जारी है। एक तरफ आप देख सकते हैं तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे बजरंग बली के मंदिर में, उन्होंने साफ सफाई की और फिर मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। गुरुजी थोड़ा सा आप लोग